नमस्कार। इस व्लॉग में हम बात करेंगे एनएलपी के प्रिंसिपल मैपिंग की। हम हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हमारी फाइव सेंसेस से करते हैं। चखकर, सुनकर, देखकर, सुनकर, उससे क्या करता है, हमारा दिमाग एक हकीकत का नक्शा बना देता है, जिसे हम क्या करते हैं, अपनी आने वाली लाइफ के अंदर डिसीजंस लेते हैं। ये जो हकीकत का नक्शा है, ये दुनिया की जो रियलिटी है उससे बिल्कुल अलग होता है। ये हमारे दिमाग में जैसे ऑलरेडी फीडेड होते हैं ना कुछ नक्शे, जैसे हमारे घर का रास्ता हमें दिखाना, हमें समस्याओं का हल दिखाना, या फिर हमें खतरनाक चीज़ों से आगाह कर देना। हमारे लाइफ के अंदर कुछ बुरे अनुभव हुए होते हैं या कुछ बुरे हालात हुए होते हैं, कुछ ख्यालात होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उसी हकीकत का नक्शा होते हैं। और वो नक्शा हमें क्या करता है, नेगेटिव करता है किस चीज़ के लिए, हमारे आत्मविश्वास को डगमगाता है, हमें महान चीज़ें करने से रोकता है। तो हमारी इंद्रियां जो हमसे करवाना चाहती हैं, हम वही अनुभव करते हैं। जो वो हमसे फील करवाना चाहती है वही हम फील करते हैं, देखते हैं। तो एनएलपी क्या करता है, हमारे उसी सिस्टम को सुधारता है, हमारे जो इंद्रियों की जो सोचने समझने की, अपने सराउंडिंग की जो चीज़ें होती है ना, उसकी समझ को डेवलप करता है कि हम किसी चीज़ के लिए कैसे डिसीजंस लें, कैसे सोचें उसके बारे में। तो उसके लिए एनएलपी उस समझ को डेवलप करता है ताकि हम अपने आसपास हो रही चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। जिस प्रकार किसी स्थान का एक नक्शा उठा लेते हैं हम, तो वो उस रियल प्लेस के बारे में सही से जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी डायमेंशन उस रियल प्लेस से अलग है। अगर उसी की डायमेंशन अगर हम वाइड कर देते हैं तो उस स्थान तक पहुँचने का रास्ता हमें आसानी से मिल जाएगा। कहाँ पर क्या है, कौन सा रूम बना हुआ है, कौन सा हॉल है, तो उसके बारे में हम इजीली जानकारी ले सकते हैं। उसी प्रकार हमारे लाइफ में जो सिचुएशन है, जो हमें परिस्थितियाँ आई हुई है, वो क्या है, रियल प्लेस है वो, लेकिन उसके बारे में हम जो सोचते हैं वो क्या है, वो किस पर है, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिटेड है, जो नक्शे ऑलरेडी हमारे दिमाग में बन चुके हैं ना, उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। अगर हम उसी मैपिंग को ठीक कर लेते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर हमारे लिए डिसीजन लेना आसान होगा, हमें हमारे एम तक कैसे पहुँचना है, कितनी मेहनत करनी है। देखो एनएलपी क्या कहती है, एनएलपी ये नहीं कहती कि आपको चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। इसमें ऐसा मैजिक नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो और आपको अपने आप कुछ मिल जाए, तो ऐसी मैजिकल चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। ये हमारे उस मैप को सुधारेगी कि हमें इस रास्ते पर जाना है, अपना एम अगर हमने ये देखा है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी उसके लिए, क्या हमारे साथ बुरी कंडीशंस आ सकती है, बुरी परिस्थितियाँ आ सकती है, उससे हमें कैसे निपटना होगा, वो एनएलपी है। वो हमारे मैपिंग को ठीक बनाती है। जिस प्रकार एक अंधे इंसान की सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है ना, तो उसी प्रकार एनएलपी क्या करती है, हमारी इंद्रियों की उसी पावर को बढ़ाने का काम करती है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के हम बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल की एनएलपी की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।